प्रणाम। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, अभी हो रहा है टाइम सुबह के 7 बजे हैं और अब मम्मी लोग घर पे हैं नहीं, फिर थोड़ा भैंस वैंस का हमको ही करना पड़ेगा। तो हम अभी भैंस का दूध निकालने वाले हैं, इससे पहले तो कभी निकाला नहीं है, तो आज ट्राई करते हैं निकलता है या नहीं, देखते हैं क्या होता है। चलिए और आपको भी दिखाते हैं। ओके, तो कब्बू निकालेगी दूध और ये है हमारा भैंस। तो नहीं दे रही है हमको दूध हमारी भैंस। अब क्या करें? अब कुछ नहीं हो सकता। वहां उन पहाड़ियों में धूप आ गई, मस्त क्या भी कम कमी आई है। और हमारे यहाँ ये वाली पहाड़ी लगती है ना ऊपर पे, इसलिए नहीं आती जल्दी धूप। तो गाइस, इसमें हमने पानी रखा है, ये गर्म भी हो गया, तो अब मैं नहा के आता हूँ। और यहाँ पे कब्बू सुबह सुबह माओ कैची छोई है ये। अभी ये सॉल ओढ़ रखा है इसने, मैंने भी ओढ़ा है क्योंकि ना बहुत ठंडा हो रहा है इसलिए। तो ये है मेरा पानी और ये गर्म पानी है क्योंकि ठंडे से कौन नहा पाएगा यार इतने ठंडे में। तो दोस्तों, मैंने नहा लिया, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया मुझे। और अभी हमारी चाय बन रही है ऊपर पे, अब इसके बाद हम चाय पियेंगे। तो मैं आ गई अपने वही पुराने अवतार पे शॉल वॉल ओढ़ के, और मैंने बाल वॉश नहीं किया अभी क्योंकि ना ठंडा बहुत हो रहा है, दिन में वॉश करूँगी, दिन में थोड़ा धूप आ जाएगी तो सही रहता है ना, इतने ठंडे ठंडे में फिर मेरे को कोल्ड हो जाएगा कहीं, इसलिए दिन में करूँगी बाल वॉश। तो गाइज, कुछ बहुत काम हमने कर लिया, बाकी नाश्ता वास्ता हमने नहीं बनाया, अभी सीधे खाना ही बनाएंगे हम। और अभी कब्बू गोबर निकाल रही है। ये निकाल रही, दिख रही है आपको? ये इतना इकट्ठा कर रखा है इसने यहाँ पे, इसमें निकाल के रखेगी। देखो, मैं भी निकाल सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है, हमारी भैंस कुछ करती नहीं है, मारती नहीं है। हाँ, मम्मी वाला काम कर रही है कब्बू आज, मजा आ रहा है मम्मी वाला काम करने में, मम्मी की याद भी आ रही होगी कब्बू को, है ना? हाँ, मेरे को गोबर निकालना पड़ेगा घर के, रो रही थी। भैंस का दूध निकालना पड़ेगा, गोबर निकालना पड़ेगा, इसलिए रो रही थी। सच्चाई बता दी अभी। लेकिन कोई नहीं, हम भैंस का दूध नहीं निकाल पाए, गोबर तो निकाल सकते हैं ना, निकाल सकती है, सकते हैं नहीं बोलना चाहिए यार। तो गाइस, ऑलमोस्ट हमारा सारा काम डन हो चुका है और हमने घंटू लाल और अपने फुग्गी को भी वहाँ पे बांध दिया सामने। और अब हमको कुछ नया वर्क करना है, आज आपको दिखाते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए, तो हमें क्या करना है? तो गाइस, हमको ना ये जमीन है, इससे हमको जूस निकालना है। हम इसको अभी जूस निकाल के पकाएंगे, पूरी प्रोसेस दिखाऊंगी मैं आपको, और फिर उसके बाद हम इसको स्टोर करके रख लेते हैं ताकि ये बाद तक ख़राब ना हो। तो हमने सबसे पहले इसको यहाँ पे काट लिया, काटने के बाद हम इसको फिर इसका जूस निकालेंगे। कैसे निकालते हैं चलिए वो दिखाते हैं आपको, ठीक है? तो गाइस, यहाँ पे हमने बना रखा है, ये हमने बाल्टी रख दी सामने, और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे ये नींबू के दाने जो हैं, ये इनको इसमें डाल के फिर इसको दबा के यहाँ से निकलता है जूस। यहाँ दिख रहा है ना छोटा सा होल, तो यहाँ से जूस निकल के सीधे यहाँ बाल्टी में जाएगा। तो ये पूरा सेटअप बना रखा है पहले ही, क्योंकि हमने एक बार पहले भी जूस निकाला ना इसका, तो इसकी भी थोड़ी सफाई करनी है, पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं आगे को काम। तो देखो यहाँ पे दीदी इसको ठोकरी है, वो भी किससे ठोकरी है? लकड़ी से, लकड़ी को। फिर हम क्या करेंगे, ये लकड़ी बनाई हमने इसको जूस निकालने के लिए। हाँ, देखो यहाँ फंसा दिया हमने इसको, ये बनाया था ना इसके अंदर फंसा दिया लकड़ी को, फिर हम इसको
यू दबाएंगे। ये देखो अभी निकलेगा जूस। नहीं निकल रहा है। अरे यहाँ से निकल रही। हाँ आ गया आ गया। इधर बाद हो रहा है यार। अब देखिए ये पहाड़ी स्टाइल है जूस निकालने का। बता थोड़ा सा मैंने किया। अब कब्बू कर रही है तो किसी टाइम कब्बू करेगी, किसी टाइम मैं करूंगी। ऐसे ही हम इसको पूरा खत्म करेंगे। थोड़ा बचा है हमारा, बहुत सारा हमने कर लिया। देखिए इतना ही बचा, अब कमी है। और इतना ये कर दिया हमने, बाकी हाँ देखिए ऐसे दबा के बिल्कुल। अभी कब्बू निकाल रही है। और क्या बताऊँ, फिर से बढ़िया हो रहा था। ये दीपा का कॉल आया, दीपा से बात कर रही है। हाँ हाँ आ गई। तो हम इसको ना आग जला के फिर पकाएंगे। पूरा काला बनेगा। अभी देखिए कैसा कलर है इसका, येलो टाइप। येलो भी कहाँ है? हाँ येलो येलो आ रखा है। तो ये पूरा पक के इतना ही नहीं है, बाल्टी में भांग की चटनी बनाएंगे या फिर पुदीने की चटनी बनाएंगे तो उसमें भी डालेंगे तो खट्टा हो जाएगा ना। और छोटू सा डालेंगे तो बहुत खट्टा हो जाता है। मेरा टब भी पकड़। तो अब हम पकाएंगे चोक। तो दोस्तों यहाँ पे हम जलाएंगे अब आग। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस पे ये पतीले को रख के, इसको रख के इसमें फिर हम ये डालेंगे जो हमने जूस निकाला था नींबू का। सो ये जल चुकी है हमारी आग। तो हम ना इस पे छानेंगे इसको। तो इसको हम रख लेंगे अब इस पे चूल्हे पे। गिरना नहीं चाहिए। हाँ अब इसमें बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं जलानी है। तो ये रख दिया हमने, अपने आप पकता है ये। ढक्कन भी रख दे और ये पूरा पक जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? तो दोस्तों फाइनल लुक ये आया इसका। इस तरीके से बना दिया हमने इसको, पूरा काला बना दिया। अब हम इसको पैक कर देंगे एक बोतल में, तो ये उसमें सेफ रहेगा। मतलब जैसे हमको ना शीशे के बोतल में पैक करना पड़ेगा इसको, है ना? तो फिर इसको डाल देते हैं उसमें। तो ये बन चुका है हमारा पूरा कंप्लीट। अभी नहीं डालेंगे इसमें। हाँ अभी तो गर्म हो रहा है, ये ठंडा हो जाएगा तो फिर डालेंगे। तो अब इतना ही निकला, उतना ज़्यादा का इतना कम हो गया, ये पूरा पकाया ना हमने इसलिए। तो गाइज ये था फिर हमारे दिन भर का वर्क। और भी बहुत कुछ किया हमने, बट अगर उतना सारा मैं व्लॉग में ऐड करूँ तो व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। इसलिए मतलब कुछ कुछ मेन मेन ही मैंने किया, बाकी तो रोज़ ही के काम हुए और नॉर्मली है। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और कैसा लगा आपको व्लॉग, ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो मिलती हूँ ऐसी एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय बोल दे, बाय बोल, अच्छे से बोलना, प्यार से बोलना। बाय बाय बाय।